संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आईटीवी हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, संकट से निजात नहीं मिली है, लेकिन इस संकट के बीच राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह राहत कहीं आफत बन के न निकल के आए सामने। इसलिए हम इस पे चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन 3 जो स्टार्ट हुआ है और उसमें जिस पाबंदियों के तहत लॉकडाउन 3 को आगे बढ़ाया जा रहा है, वह राहत है या आफत है। इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी जी होंगे। मथुरादत्त जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ यूकेडी के प्रखर प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, नमस्कार श्रीवास्तव जी। सरकार का पक्ष रखने के लिए युवा तेज तर्रार भाजपा नेता विशाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं विशाल गुप्ता के पास ही चलेंगे। विशाल जी, लॉकडाउन 3 शुरू होता है, बहुत सी पाबंदियां सामने दिखाई देती हैं और बताई जाती हैं। इसके बीच में ये बताने का प्रयास किया जाता है कि अब आम जन को राहत मिलेगी, लेकिन जैसा आज देखने को मिला, सड़कों पे कहीं भी लॉकडाउन का कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिला। शराब के लिए जो लंबी लाइनें थी, जिस तरह की माहौल था, कहीं नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन है। तो क्या इससे जो आज की घटना थी, इस घटना से क्या आप लोग सचेत होते हुए आने वाले कल को कैसे देखेंगे, और क्या इस पे होमवर्क कायदे से नहीं किया गया? विशाल जी, ये जो महामारी पूरे देश के अंदर आई है जी, और पहले दिन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत अच्छी पहल करी जी, और उसी को ध्यान रखते हुए प्रदेश के सरकारों ने, सब सरकारों ने काम किया जी, और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के दिशा निर्देश अनुसार जी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था को प्रशासन के सिस्टम पे संभाला गया। और आज जो छूट दी गई है, अवश्य वस्तुओं की दुकानें या आम जनमानस की जो रोजमर्रे की चीजों की दुकानें, उनको खोलने की एक नियमावली तैयार करी आदरणीय नियम साहब महोदय के माध्यम से, इसकी लॉन्चिंग हुई 7 से 4 बजे, जिसमें आबकारी विभाग ने शराब की दुकान खोलने का भी एक आदेश जारी किया जी। सरकार की हर जो भी सरकारें आती है जी, वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार जनहित में कार्य करा उसने, और आज की व्यवस्था की पहल करते हुए सरकार ने सोचा कि जो लोग बेचारे रोज की स्थिति को बेकाबू हो चुकी थी, जिनकी दिनचर्या खराब हो चुकी थी, जो छोटे छोटे उद्योग और अपने दिनचर्या को अपने परिवार को पालने के लिए करते थे, उन चीजों का कैसे रोका जाए, क्योंकि राशन भी सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं बनाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन के हिसाब से पुलिस चौकियों के माध्यम से जो गरीब के तबके तक जो जरूरतमंद है, उनके मुंह पे भोजन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जो पहल करी सरकार ने, बहुत सुंदर पहल है, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा सरकार की पहल में कहीं भी गलत नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश बिल्कुल सही है, और प्रशासन के सभी लोगों ने उस पर बहुत अच्छी पहल करी है और बहुत अच्छा उसमें निर्णय लिया है, लेकिन जनता को थोड़ा जागरूक होने के साथ साथ, क्योंकि ये फिजिकल डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंस की जहां जहां बात आ रही है, उन चीजों को समझना पड़ेगा। जन जागरण अभियान के माध्यम से सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है, लेकिन जनता को आज लगा कुछ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ, और आज हमें देखने को भी मिला कि जनता एकदम ऐसे टूटी है, लेकिन सरकार इस पर देखेगी कि कल की स्थिति में जनता ऐसे ना टूटे, प्रशासन इस पर कैसे काबू करेगा कि ऐसे जो सोशल डिस्टेंस हम लोग बनाते आ रहे हैं, और काबू किया है हमने पूरे प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी से। विशाल जी, यही तो कहा गया कि आपने होमवर्क अच्छी तरह से नहीं किया, जो आज सड़कों पे सामने दिखाई दे रहा है, हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ना तो कोई कोरोना का डर है, ना तो कोई पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन जो कोरोना से लॉकडाउन के व्यवस्था को सुधारने में लगता, वह पूरा का पूरा इस समय शराब को बिकवाने में और शराब की लाइन लगवाने में लगा है। मैं मथुरादत्त जोशी जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले
मैं कोरोना से पूरे देश की स्थिति और उत्तराखंड की स्थिति से आपको अवगत कराता हूं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आचार्य शशिकांत दुबे जी भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि इस समय धर्म के हिसाब से कौन सा कर्म भी जरूरी है। भारतवर्ष में 42,533 संक्रमित लोग सामने आए हैं, 11,707 ऐसे लोग हैं जो कि आप 1107 स्वस्थ हुए हैं और 1373 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड भाग्यशाली है, 60 संक्रमित लोग पाए गए हैं और उसमें केवल 39 ऐसे हैं कि जो कि स्वस्थ होके जा चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है बाबा बद्रीनाथ के कृपा से। हम चलेंगे मुख्य प्रवक्ता मथुरा जोशी जी, जिस तरह से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भीड़ दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने लॉकडाउन 3 की शुरुआत ही शराब की दुकानों को खोल के किया है, क्या ये उचित था आज के दिन? मथुरा जोशी जी देखिए, सरकार का हर निर्णय आप देखिए अव्यवहारिक निर्णय है, कोई होमवर्क ये करते नहीं है। जैसे इनकी रात को इन्होंने ऑर्डर किया, सुबह ही ऑर्डर नया ऑर्डर निकाल देते हैं, उसे बदल देते हैं। और आज ही देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी 42 दिन का लॉकआउट हो गया, आप लोगों को राहत देना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी सरकार की लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हित में निर्णय ले, जनता के हित में काम करें, अच्छी बात है। आपने निर्णय लिया, स्वागत योग्य निर्णय है, आपको सारे लोग मदद भी कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दल दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, सरकार के हर निर्णय का स्वागत भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। लेकिन देखिए, आप ही देखिए कितना अव्यवहारिक निर्णय है। आपने राशन की दुकान तो आप खोल नहीं रहे, शराब की दुकान आपने पहले खोल दी। आप सुबह देखिए 5 बजे से शराब की दुकानों में कितनी जबरदस्त भीड़ थी। आप देहरादून का वीडियो भी हमारे पास है, आपके पास तो होगा ही होगा, आपका जनप्रिय चैनल है, लोकप्रिय चैनल है, आप तो हर चीज कवर करते हैं और फिर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी रहती है। आप देहरादून के रायपुर का देख लीजिए क्या हाल है, देहरादून के धर्मपुर की दुकान का हाल देख लीजिए क्या हाल है। मैं आपको हल्द्वानी की स्थिति बताऊं कि अनियंत्रित भीड़ है, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में अनियंत्रित भीड़, अनियंत्रित शराब की दुकानों में। और ये सरकार ने कोई होमवर्क नहीं, और देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रही है। आप रेवेन्यू भी लाएंगे, अपने राजस्व को बढ़ाना भी चाहते हैं, आप अच्छे काम न करके आप उत्तराखंड की जनता को शराबी बना रहे हैं। सबसे पहले आपने शराब की दुकान खोल दी, आप 2 दिन बाद खोल लेते, पहले इसका जो भी इसका प्रभाव पड़ता या इसका जो भी सहूलियत आपको दिखती, जैसा भी आप देखते भाई कैसे इंतजाम और करने, आप 4 दिन बाद शराब की दुकान खोल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आप ही बताइए ना कि ये जनकल्याणकारी सरकार है जो राशन की दुकान नहीं खोल रही है, जो आपके सब्जी की दुकानें हैं उनको और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से खोल दीजिए, जनता को राशन दे दीजिए, आप शराब बिकवा रहे हो। इससे बड़ा अव्यवहारिक निर्णय और कुछ सरकार का नहीं हो सकता है। अभी भी वक्त है, सरकार इस पे विचार करे, सोचे और कम से कम पुलिस का उपयोग तो न करे। पुलिस सुरक्षा के काम में लगती है, पुलिस शराब पिकवाने के काम पर नहीं लगती है। 2 घंटे पहले चले चले हम आपके पास लौटते हैं। जी जी, जी। पूरे प्रदेश की है। मैं मुझे तो ताजुब लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी कुछ कह रहे हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं, कल इन्होंने कह दिया कि हम प्रवासी लोगों को लाएंगे, 3 दिन पहले का ट्वीट देखे, और आज कल निर्णय लेते हैं कि हम उन्हीं को लाएंगे जो कैंपू में है। तो ये क्या है, ये बहुत जोशी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण जोशी जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस विषय पे आप लोगों को आगाह भी किया है और गाइडलाइन भी दिया है कि आप अपने द्वारा भी उनको मदद करें। हम आपके पास लौटेंगे। शांति प्रसाद भट जी, कहीं से आज लग रहा था लॉकडाउन है भारतवर्ष में। जी, राजनीतिक कुशलता कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के बीच में इतना जबरदस्त
विरोधाभास है, जहां देश के प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी सुबह बयान कुछ देते हैं, शाम को कुछ और अगले दिन वो बयान बिल्कुल बदल जाता है। उसी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आज देहरादून के अंदर लॉकडाउन में जो इन्होंने स्थिरता दी, उसका परिणाम यह है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी मंशा दिखा दी कि शराब माफियाओं की पार्टी है, शराब इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस को लाठीचार्ज पड़ा इतनी बड़ी शराब की दुकानों को, यानी के देखेंगे कि आपको देहरादून के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ते हुए दिखेंगे। यदि इससे कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे? 40 दिन के अंदर इस देश के अंदर कोरोना की जो जनसंख्या है घटी नहीं है, बढ़ी है, और ऐसी स्थिति में इस तरीके से ढील देना उत्तराखंड के नागरिकों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा कदम है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम। इनकी राजनीतिक कुशलता आज दिख रही है कि पुलिस को इन्होंने शराब बेचने में लगवा दिया। पुलिस के जो है जवान जो है, जहां कोरोना से नागरिक को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, आज वो ठेके में शराब की जो भीड़ है उसे नियंत्रण करने में लगी है। यह बहुत खतरनाक हुआ है, इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में जनता को भुगतने पड़ेंगे। भट्ट जी, जब से राज बना और राज बनने में यहाँ की महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और हमेशा महिलाओं ने मांग करती रही है कि यहाँ से शराब पे पूर्ण पाबंदी और बंदी की जाए, क्या लगता है कि ऐसा समय आ गया है जब आदमी 40 दिन 42 दिन बिना शराब के रह सकता है, तो क्या उत्तराखंड में वह समय आ गया है कि शराबबंदी कर दी जाए यहाँ पे? शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए विशाल गुप्ता के पास चलते हैं। विशाल जी, एक प्रश्न बार बार उठता है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं, और कोई निर्णय लेते हैं उस पर टिकते क्यों नहीं? क्या इनकी जो कोर कमेटी, जो इनकी टीम है, सही में बहुत कमजोर है? विशाल बताइए, सरकार बड़ी फूक फूक के कदम रख रही है हर निर्णय के लिए, और ये पेचीदा मामला है, और पूरा लॉकडाउन इस रूप में इस महामारी के बचाव में लगा है, और प्रशासन से लेकर जनहित के कार्यों में लगे सामाजिक संगठन इसमें पहल कर रहे हैं। हर निर्णय ऐसा नहीं होता कि मैंने सुबह कुछ विचार किया और वो उस समय के प्रेजेंट स्थिति के लिए निर्णय अच्छा है, लेकिन दिन में जब विचार आए तो वो निर्णय उसके लिए गलत था। ये सरकार की अच्छी पहल है कि सरकार सुविकसित तरीके से निर्णय को जमीन पर लाती है, और आज जो आबकारी के शराब की दुकानों का जिक्र आ रहा है बार बार, ये खाली उत्तराखंड प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है। आज उत्तराखंड के अंदर शराब की दुकानें नहीं खुली, आज दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 40 तरह की दुकानें खुली है, लेकिन सरकार की एक पहल है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, एक सुविकसित तरीके से उसका प्रेजेंटेशन दिया जाए। सरकार चाहते हैं कि जनहित के कार्य किए जाए, जनता को जो 3-3 गुना रेटों पे शराब बिक रही थी, उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, शराब गरीब मोहल्ले में बिक रही थी, उन चीजों पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक पूरे देश के अंदर पहल हुई है, और राज्य सरकारों ने इस पे पहल करी है, लेकिन सरकार इसमें फूट फूट कर कदम रख रही है, कहीं गलत है तो सरकार इसमें अच्छा निर्णय लेगी और उचित निर्णय लेगी। जोशी जी, शायद आपका मोबाइल का स्पीकर ऑन है, या तो शांति प्रकाश भट्ट जी का, किसी के मोबाइल का स्पीकर ऑन है, शायद साउंड गूंज रही है जिससे आप तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा जी, मथुरा जी, जोशी जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जोशी जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, शांति प्रसाद भट्ट जी, आवाज सुनाई दे रही है? पीछे जरा देखिए, साउंड नहीं जा रहा है। चलिए, शशिकांत दुबे जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? शशिकांत दुबे जी, ये जो निर्णय आज हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? जो निर्णय आज हुआ है, जिस तरह का माहौल है, उसे कैसे देखते हैं आप? को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे गंभीर मुद्दे को आपने अपने टीवी चैनल पर उठाया,
इसलिए मैं आई के प्रधान चैनल की धन्यवाद सरकार क्या है निर्णय बहुत ही है, क्योंकि यदि ये निर्णय इन्होंने लिया है जोशी जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कौन है दुबे जी? आप अपने मोबाइल का स्पीकर बंद कर दें प्लीज। दुबे जी स्पीकर बंद कर दें। अच्छा हाँ, स्पीकर बंद करें, परिवार की आवाज आ रही है। मथुरा दास जोशी जी आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हेलो मथुरा दास जोशी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी को आवाज आ रही है? भट्ट जी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं रखा है, उसी भीड़ उमड़ती हुई दिख रही, जैसे लग रहा है कि जो है रावण दहन के समय दशा। मेरा एक प्रश्न था आपसे जो जवाब नहीं मिला, कि इस राज्य का निर्माण में, इस राज्य के निर्माण में यहाँ की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मातृशक्ति उस समय 80 का दशक था, 90 का दशक था, सड़कों पे थी राज्य बनाने के लिए, कि अभी तो हमारा पहाड़ का राज्य अभी दो। और उनकी भी एक मांग थी कि इस प्रदेश से शराब पे बंद कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है समय आ गया जब हम 42 दिन बिना शराब के रह सकते हैं, तो क्या उत्तराखंड में अब शराबबंदी हो जानी चाहिए? देखिए श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जनमानस को अगर आप देखेंगे तो सुर सुर से सब आवाज उठाते हैं कि उत्तराखंड में शराब बंद होनी चाहिए। ये देवभूमि है और इस भूमि के अंदर शराब की संस्कृति पर समय समय पर आवाज उठी है कि ये बंद होनी चाहिए। और ये 40 दिन लॉकडाउन ने एक संदेश दिया है कि उत्तराखंड का जनमानस बिना शराब के रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी आदमी शराब मुक्त न हो, इसलिए जानबूझकर आज लॉकडाउन की स्थिति में इन्होंने शराब पर पाबंदी हटाई है। उसका परिणाम है कि नौजवान बच्चे बुजुर्ग बूढ़े ये सभी सुबह लाइन पर लग गए। और शराब के लिए जिस तरीके से सरकार ने दिखाया है, ये बताता है कि सरकार रोजगार शराब परोसने में ज्यादा ध्यान दे रही है। इसी का परिणाम है कि आज लॉकडाउन का जो है उल्लंघन हुआ है, जनता सड़कों पर आई है। ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि उत्तराखंड में जो है कोरोना से लॉकडाउन है। अगर जिस तरीके की भीड़ सड़कों पर है, इसके दुष्परिणाम होंगे तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति पता चलती है कि उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा से ज्यादा शराब की बिक्री इनको महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के कदम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। प्रश्न ये है, हम 20 वर्ष के हो गए और आज भी हम केवल आय का स्रोत के लिए हमको शराब का मुंह देखना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए। पर्यटन है, जड़ी बूटी है, ऊर्जा है, कहां चला गया ये सब? निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए आपने ऊर्जा की बात कही, जितनी ऊर्जा हमारे उत्तर प्रदेश के समय हम पैदा कर रहे थे, उससे हमने कहीं इजाफा नहीं किया है, कहीं कोई इजाफा नहीं किया। देखिए टेहरी का मामला था तो टेहरी भारत सरकार ने बनाई, उत्तर प्रदेश का 25% की हिस्सेदारी, हमको केवल 12% की रॉयल्टी मिलती है। आप देखिए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, वो रेड्डी बंधुओं ने बनाई है, वहां हमको 12% की केवल मिलता है। हम अपनी कोई जल विद्युत परियोजना नहीं चला पाए। पर्यटन का जो उत्तर प्रदेश में हाल था उससे बुरा हाल है। आज देख लीजिए पर्यटन के व्यवसाय में पूरे प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था चरमरा गई है, कहीं कुछ नहीं है। आप परिवहन में देख लीजिए कि आज परिवहन में रो रहे हैं, परिवहन मंत्री जी का बयान देख लीजिए क्या स्थिति है, कि परिवहन व्यवसायी जितने भी हैं वो सर में हाथ लगा के बैठे हुए हैं, लोगों की स्थिति क्या होगी। जो चार धाम यात्रा होती थी, मैं कहता रहा हूं कि यहाँ मंदिर बंद है,
आप देखिए देवालय बंद है और मंदिरालय खुल रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट कहता है कि मंदिरालय बंद करो, तीन तीन जनपदों में आप मदिरालय पान नहीं करवाएंगे, जो आपके सीमांत जनपद है और जहां चार धाम स्थापित है वहां कहा जाता है, कोर्ट कह रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट चले जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, सत्ता धर्म के नाम पर प्राप्त करती है, राम राज्य की बात करती है। क्या अभी रामायण अभी समाप्त हुई, कल भी परसों आपने देखा होगा भगवान राम खाली मर्यादा नहीं कराए कहलाए, उन्होंने मूल्य स्थापित किए, उन्होंने कई 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 प्रति कई आप देखे कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये सरकार तो कहती कुछ है, कहती कुछ है। आप देख लीजिए ना, पूरे आज सीमा में सेना में जवान शहीद हो रहे हैं, आप देख लीजिए मेजर मर रहे हैं, कर्नल मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, और ये सरकार पुष्प वर्षा करा रही है। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, ये कहती कुछ है करती कुछ है, इसका निर्णय सुबह कुछ और होता है शाम को कुछ और होता है। अच्छी बात होती कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध कराती, कुछ जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, इस बारे में सरकार सोचती तो हम कहते कि चलो कुछ करती सरकार। कर्मचारियों की तनख्वाह लेने के लिए वित्त सचिव का बयान आया है, वित्त सचिव का बयान आज ही देख लीजिए, आज से पेपर में देख लीजिए कि बाजार से कर्ज लेकर तनख्वाह देनी पड़ेगी, इन पर तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। राजस्व के मामलों में कहीं वृद्धि नहीं कर रहे हैं, केवल शराब पिला रहे हैं ताकि नौजवान शराब पिए और नौजवान अपना भविष्य बर्बाद करे, अपनी सेहत बर्बाद करे। और ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश उत्तराखंड के लिए है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर सरकार दूसरे प्रदेश में फंसे उत्तराखंडियों को लाने में अक्षम है तो वह लोग लेके आएंगे, अपने माध्यम से लाएंगे। कौन सा माध्यम आपके पास मिलेगा जिससे आप ला सकते हैं अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो? जी जी जोशी जी, आवाज नहीं आ रही है, सवाल जो हमने हमने कहा कि आप कांग्रेस कह रही है कि जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको सरकार नहीं ला सकती तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पे उनको लाएगी, लेकिन जब संसाधन नहीं मिलेगा तो कैसे लाएंगे आप? देखिए हमने तो ये कहा, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने साफ कहा, सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इनको किराया नहीं देंगे, एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे इनके ऊपर, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, कहा ट्रेन से जो लोग आएंगे, तो हमारी पार्टी की नेता ने सहृदयता दिखाते हुए देश की जनता के हित में देखते हुए गरीबों के हित में देखते हुए, ये सरकार तो गरीब की जेब से भी पैसा निकाल ली है, उनकी व्यवस्था तो दूर की बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपने धर्म का निर्वाह किया, कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत है जो आदर्श है उनको आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमारी पार्टी खर्च वहन करेगी, तब भी सरकार को कहा कि आप साधन मुहैया कराइए, लेकिन ये सरकार तो निर्लज सरकार है, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सेना में सीमा पर 10 आदमी मर रहे हैं, 10 मरे हैं आज तीन चार दिन के अंदर, आप देख लीजिए ये पुष्प वर्षा करा रही है, और मैं तो कहना नहीं चाहूंगा इसका जवाब। सही बात जोशी जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, हम भट्टी के पास भी चलेंगे, लेकिन रोज सैनिकों के शव आ रहे हैं, कल ही पिथौरागढ़ जनपद में 2 शव आए साहब, एक आज अल्मोड़ा में आ रहा, बगल में पिथौरागढ़ के बगल में जिला है, कितना बड़ा रोना आता है इस सरकार की समझ पर, इस सरकार की सोच पर, ये गरीब की जेब में जाती है लेकिन गरीब कोई अपने घर तक नहीं। जोशी जी, इसी प्रश्न, कितना बड़ा मुख्यमंत्री जी का बयान, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि हम प्रवासी जो जहां फंसा है वहां से लाएंगे, और आज कह दिया कि नहीं नहीं जो कैंप कर रहे हैं, जो कैंप में है, राहत शिविरों में है, हम उन्हीं को लाएंगे बाकी को नहीं लाएंगे। जोशी जी जवाब ले लेते हैं। हाँ विशाल गुप्ता जी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, कल पांच हमारे शहीद होते हैं सैनिक, और आप पुष्प वर्षा करा रहे हैं,
चलिए ठीक है, पहले से तैयारी थी, आप लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अगर जब पता चल गया कि हमारे जवान शहीद हुए हैं तो उस समय तो रोका जा सकता था। जोशी जी, जो आरोप लगाया पुष्प वर्षा का, पुष्प वर्षा किसके ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर पुष्प वर्षा? जिस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना वायरस महामारी को बचाव में लगा। आज शहीदों की बात है, शहीदों को सरकार भी नमन कर रही है, आप भी नमन कर रहे हैं। हम शहीदों की लाश के लिए, शहीदों के नमन के लिए 24 घंटे खड़े हैं, तत्पर है सरकार। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर महामारी को बचाने का काम किया, आज सरकार ने उस पर पहल करी, एक सुंदर पहल करी, उसका समर्थन करना चाहिए। आपने वहां से जोड़ दिया, शहीदों से जोड़ दिया आपने। कुछ वर्षा, कुछ वर्षा पहले का एक प्रोग्राम तय था, और वो लोग बेचारे संगठित तरीके से सारे डॉक्टर सारे सिस्टम पे बने हुए थे। सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा, आप कहती हो थे गलत कहते। और आपकी मंत्री इंदिरा हृदय जी कहती थी कि आबकारी और खनन ये हमारे प्रदेश की आमदनी का साधन है, आज आप आबकारी को गलत कह रहे हैं। ये आपकी मंत्री इंदिरा हृदय कहती थी कि दो ही माध्यम है हमारे प्रदेश की राजस्व को बढ़ाने के लिए, केवल खनन और आबकारी। और आज जो चर्चा कर रहे गरीबों की, सरकार ने श्रमिक कार्डों के ऊपर 2,000 रुपए देने का काम किया, गरीब के हित में दिया। सरकार ने जनधन योजना के अंदर 500 रुपए देने का काम किया, गरीब के हित में दिया। राशन कार्ड वालों को 20 किलो राशन 3 महीने के सिस्टम पे देने के प्रयास किया सरकार ने, गरीब के हित में किया। सरकार कहां गरीब के साथ खड़ी नहीं है, सरकार गरीब के द्वार खड़ी है। ऐसे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी काम कर रहे हैं। आरोप लगाना बहुत ईजी है, आज सरकार पे पहल देखिए। सरकार के एक एजेंट भी नहीं है पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। इतनी बड़ी आपदा आ गई हमारे देश के ऊपर, उत्तराखंड ने कितना उसको संभाल के रखा, ये आपके मुख्यमंत्री की पहल है, जो सुंदर तरीके से प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है। आज सुंदर पहल के कारण एक कैजुअलिटी हमारे उत्तराखंड के अंदर नहीं है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपको मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और आप आरोप लगा रहे, ये सोचने का विषय है, विचारने का विषय है। लेकिन विशाल जी, अगर मान लीजिए जैसे उन्होंने 2-3 चीजें कही, एक प्रश्न उनका ये भी है कि पहले आपने कहा कि जितने उत्तराखंड के लोग बाहर फंसे हुए हैं उन सभी को वापस बुलाया जाएगा, फिर आपने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कहा कि जो वहां शिविरों में फंसे हुए उनको बुलाया जाएगा, तो इसको किस तरह से देखा जाए साहब? संजय भाई, ये पूरी आपदा पूरे देश के अंदर है, ना कि एक प्रदेश के अंदर है। ये गाइडलाइन पूरे देश के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री के सिस्टम पे और गृह मंत्रालय के सिस्टम पे चलती है। राज्य सरकारें इसमें स्वस्थ निर्णय नहीं ले पाती जब तक गृह मंत्रालय का कोई भी आदेश पारित। आपको याद होगा ये एक बार हमारी सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में जाने की पहल करी थी, एक सुंदर पहल थी सरकार की कि अपने लोग जो फंसे हुए उत्तराखंड के अपने गाँव में जा सकते हैं, लेकिन एक गृह मंत्री का आदेश अनुसार उन्होंने उसको व्यवस्था को बदलना पड़ा। ये देश के नेतृत्व में चल रहा है, खाली उत्तराखंड का विषय नहीं, आज राजस्थान में भी आबकारी शराब की दुकानें खुली है, आज महाराष्ट्र में भी शराब की दुकानें खुली है, आज दिल्ली चांदनी चौक में लाठीचार्ज हुआ है शराब की दुकान में, वहां का बीजेपी की सरकार है। चलिए आप इस विषय को समझिए। संदीप प्रसाद भट्ट जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। भट्ट जी, दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, एक तो जोशी जी ने आरोप लगाया कि एक तरफ शहीदों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ ये वर्षा करा रहे हैं, फूल वर्षा हो रही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पहले तो आप कहते हो कि हम सारे उत्तराखंडियों को जो फंसे उनको बुलाएंगे, बाद में उसमें आप नियम कानून लगा देते हैं। ये दोनों प्रश्नों का जवाब हम जानना चाहेंगे जोशी जी। अरे मथुरा भट्ट जी, जी देखिए श्रीवास्तव जी, जोशी जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। जो बयान, जो जो आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, वो बड़े सैद्धांतिक रूप से सही होते हुए दिख भी रहे। देखिए, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री ने ताली बजवाई, जनता ने उनका स्वागत किया, भारत के प्रधानमंत्री ने जनता के आगे जो जो कहा जनता ने उसका स्वागत किया। मगर देश के अंदर सेना के बड़े उच्च अधिकारी के आतंकवादी गठन में देवासन होता है, उनके साथ में 4 जवान और शहीद हो जाते हैं। ठीक है, आपको पुष्प वर्षा करनी थी, कर देते, एक दिन उस कार्यक्रम को रोक देते, मगर एक तरफ तुम कोरोना वायरस के ऊपर पुष्प वर्षित करते हो, दूसरी ओर पूरा देश शोकाकुल है कि हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति दिखती है। दूसरा सवाल, आप देखिए कि मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि मैं उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर तक लेकर आने की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है। रहने वाले लोगों को उत्तराखंड में लेकर आएंगे, तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं
वो निर्णय जो है आपस में ही उनका कंट्रडिक्शन होता है, इनके निर्णय में कोई राजनीतिक सोच नहीं है, ये सुबह कुछ बोलते हैं दिन में को कुछ बोलते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किरकिरी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो रहे हैं और उत्तराखंड की जो है पूरे से लेकर पूरे देश में किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जानबूझकर ऊपर चुप है ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर तो उनको ऐसे ही गूंगे मुख्यमंत्री की जरूरत थी जो केवल रिमोट से काम करें। जितनी उत्तराखंड की बेइज्जती इन्होंने करनी थी कर दी। अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पास राजनीतिक सोच के अलावा केवल नागपुर के चक्कर काटने के अलावा कुछ नहीं है। मथुरादत्त जोशी जी ने जो आरोप लगाए वो 100% सही है। इनकी संवेदनाएं ये दिखती हैं कि देश में शहीद होता सैनिक शहीद होते हैं ये पुष्प वर्षा करते हैं। देश के अंदर आम नागरिक परेशान है मगर ये केवल चंदा उगाही पे लगे हैं। राशन सामाजिक कार्यकर्ता बांट रहे हैं और ये केवल जो है लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एक रास्ता है पैसा कमाना और इतना कमाना कि इनके कार्यालय कॉर्पोरेट कार्यालय हो जाएं और गरीब को इतना गरीब बनाना कि वो 2-2 किलो के राशन के लिए लाइन पे लगे। ये भाजपा की नीति है। जी हाँ देखा हम लोगों ने देखा आज 40 दिन से ज्यादा हो गए लॉकडाउन के, कभी राशन के लिए उतनी लंबी लाइन नहीं लगी जितना शराब के लिए लगी थी। और अगर मान लीजिए जो सरकार शराब की दुकानों को खुलवाने की बात के लिए तैयारी कर रही थी तो क्या वो इसलिए तैयार नहीं थी कि इतनी सुबह से ये लंबी भीड़ मिल जाएगी और उसकी तैयारी नहीं करके रखी थी? बिल्कुल मैंने कहा कि कोई तैयारी सरकार की नहीं थी, कोई होमवर्क सरकार का नहीं था। मेरे भाई अभी जो भाजपा के मित्र यहाँ बैठे हैं ये दूसरे राज्यों की बात कर रहे थे, हम दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहे। कहाँ क्या हो रहा है ये छोड़ दीजिए, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। हमारा हम देवभूमि में निवास करते हैं। एक तरफ आप ही की पार्टी के लोगों ने मंच से कहा था भाजपा के लोगों ने कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम शराब बंद करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? मैंने 3 जिलों का उदाहरण दिया कांग्रेस के समय में तो 3 जिलों में शराब बंद थी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में। क्यों सरकार इन जिलों में शराब खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई? जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आ गया कि हाईवे में शराब की दुकान बंद हो जाएगी तो इन्होंने हाईवे को स्टेट हाईवे में डिक्लेयर कर दिया और जो स्टेट हाईवे थे उनको डिस्ट्रिक्ट हाईवे बनाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? साहब जोशी जी ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को परिवर्तन करने की जो शुरुआत की थी तो इंदिरा हृदयेश जी ने की थी। नहीं, हमने शराब के लिए नहीं की थी ना। देखिए हमने शराब के लिए की थी। मैं सुनिए एक चीज और मैं बता दूं, प्रसिद्ध वैद्य पद्म श्री बालेंदु प्रसाद का सीधे सीधे कमेंट आ रहा है कि उत्तराखंड के सीएम का कोई विजन ही नहीं है। अब देखिए मैं बहुत कड़वी बात कभी नहीं बोलता हूँ लेकिन कहना पड़ेगा जो शांति प्रसाद भटजी ने कहा बिल्कुल सही बात की कि मुख्यमंत्री जी रिमोट मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं किस हवा में रहते हैं, क्या खाके सोते हैं कि शाम को कोई निर्णय आप ही ने कहा कि कोई व्यक्ति हमारा भार नहीं रहेगा, हम सारे व्यक्तियों को नहीं क्या खाके सोते, मतलब खाना ही तो खाएंगे साहब जोशी जी, खाना ही तो खाके सोएंगे। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्या खाके सोते है ना, ये पता नहीं चल पा रहा मुख्यमंत्री जी का। हेलो, लेकिन आज ये कोरोना का जो प्रकोप है उत्तराखंड में कंट्रोल में तो है, कम से कम सरकार का और शासन प्रशासन का प्रयास कहीं ना कहीं दिखता है कि हम उत्तराखंड तो कंट्रोल में रखे हैं इन्होंने। जोशी जी चले चले, विशाल जी ये सही बात है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वह दूरदर्शी नहीं हो रहे हैं और उस डिसीजन पे अगर कहीं से प्रश्न उठ रहा है तो उस प्रश्न पे तो चर्चा होनी चाहिए ना कि ऐसे निर्णय जो निर्णय रात को आप लेते हैं सुबह चेंज कर देते हैं, तो अगर ऐसे विषय पे चर्चा हो रही तो गलत क्या है? विशाल गुप्ता जी गलत कुछ नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो ये महामारी है इसके बचाव में सुबह की घटना क्या होती है, दोपहर की क्या होती है और शाम की क्या होती है, रात की क्या होती है,
ये निर्णय समय समय के हिसाब से बदलाव ला रहे हैं कि सरकार को अच्छा क्या लगेगा, जनहित के में कैसे अच्छा किया जाएगा। सरकार की पहल है और सरकार जब पहल करती है उस पर एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, प्रैक्टिकल होता है। जब प्रैक्टिकल में जैसे आज आप करी का शराब की दुकान है, ये प्रैक्टिकल आया सामने, कल सरकार इस पर अच्छी पहल करके इसको सुविधित तरीके से प्रेजेंटेशन देगी और उसमें अच्छा निर्णय लेगी। चलिए चलिए धन्यवाद सर। शांति प्रसाद भट्ट जी, अंतिम कमेंट आपसे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को आप लोग जो ये तीनों लोग हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं बड़े नजदीक से जमीनी रूप से आप लोग जानते हैं और आप पूरा पहाड़ घूमे हैं, अगर जो आज की परिस्थिति सामने स्क्रीन पे देखने को मिल रही है और जैसा आपने माहौल देखा मार्केट में, कल क्या होना चाहिए, इसी कमेंट के साथ हम इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए श्रीवास्तव जी, मेरा तो ये मानना है कोरोना एक ऐसी महामारी है, यदि इसमें लॉकडाउन में जरा सी भी ढील दी तो इसके गंभीर परिणाम इस राज्य को भुगतने पड़ेंगे। अन्य राज्यों से जो सरकार लोगों को लेकर आ रही है, जैसा प्रकरण आया है कि उत्तर प्रदेश का एक दबंग विधायक फर्जी पत्र लेकर ओम प्रकाश के सहारे बद्रीनाथ पहुंच गए और पितृशोक मनाने आए यमकेश्वर और घूमने पहुंच गए बद्रीनाथ, ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी अपने मातहत कर्मचारियों पर कोई पकड़ नहीं है। उसी का परिणाम है कि कोई ना कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित यदि ऐसे स्थिति में आ गया तो उत्तराखंड खतरे की जद में आ जाएगा। ये शराब दुकानें बंद होनी चाहिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देवालय बंद और शराबालय खुल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड को शराबियों का प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये कई सवाल मुख्यमंत्री पर खड़े होंगे। मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन का सही तरीके से सख्ती से पालन होना चाहिए। जब तक एक भी मरीज उत्तराखंड के अंदर है कोरोना का, तब तक उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन में कोई स्थिरता प्रकट नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो इसके गंभीर परिणाम महाराष्ट्र के और गुजरात के और दिल्ली के जैसे होंगे, वो उत्तराखंड में हो जाएंगे और इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी कहलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गुप्ता जी। दरअसल परिचर्चा का जो विषय था वो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि हम तीसरे लॉकडाउन में हैं और तीसरे लॉकडाउन में अगर उसी मजबूती से हम पालन नहीं किए तो ये जो दोनों लॉकडाउन में हम मेहनत करके देश को हमने बचाया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से ये सारी मेहनत निकल जाए और हम पुराने 40 दिन पहले उस स्थिति में आ जाएं कि अब कोरोना मुंह बाए खड़ा है और हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। अभी समय है, सुधार हो सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो शहर में घटना घटी है, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन कल अगर मान लीजिए कोई भी निर्णय आता है, कोई दुकानें खुलती हैं, तो उस मजबूती और उस महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पर खुलेंगी कि आप उतने दूरी का डिस्टेंस बनाएंगे, आप उस संख्या बल के हिसाब से ही आएंगे। इनको चाहिए कि अगर मान लीजिए ये शराब की दुकान खोलते हैं तो टोकन कहीं से दें, शराब वहां से लिया जाए और जिसको दें, एक आदमी को जो इन्होंने कहा है कि 12 बोतल की बात की, ये सारी चीजें सामने नहीं आनी चाहिए, तभी जाकर के हम कोरोना पे भी काबू कर पाएंगे और ये जो भीड़ सामने उमड़ी है इस पे भी हम काबू कर पाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान।